पाठ पांच, संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, आम, दिल्ली, लोमड़ी, मिठास आदि। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। आम में मिठास होती है। यह सुरेश का कंप्यूटर है। घर में बिल्ली बैठी है। ऊपर के वाक्यों में आम एक फल का नाम है, मिठास भाव का नाम है। भाव वह होता है जिसे हम देख, सुन, छू, सूंघ, चख नहीं सकते, हाँ महसूस कर सकते हैं। जैसे आम को तो खा सकते हैं लेकिन मिठास को नहीं खा सकते, उसे केवल महसूस कर सकते हैं। सुरेश व्यक्ति का नाम है, कंप्यूटर वस्तु का नाम है, घर स्थान का नाम है, बिल्ली पशु का नाम है। इसी प्रकार संसार में जितने भी जीव जंतु, स्थान, वस्तुएं और भाव हैं, उन सभी के नाम होते हैं। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। सामान्य रूप से संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सुरेश, दिल्ली, काशी आदि। का लाल किला दिल्ली में है, राहुल आगरा गया। लाल किला एक विशेष इमारत का नाम है, दिल्ली एक विशेष शहर स्थान का नाम है। राहुल एक विशेष व्यक्ति का नाम है, आगरा एक विशेष शहर स्थान का नाम है। अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कुछ विशेष निम्नलिखित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं: किसी भी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, रमा, राधा आदि। किसी भी नदी, सागर या पर्वत का नाम, गंगा, हिंद महासागर, हिमालय आदि। ग दिनों, महीनों तथा त्योहारों के नाम, रविवार, जनवरी, चैत्र, होली आदि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, पक्षी, जंगल, पशु, गाय, कुत्ता आदि। फूल कहने से संसार के सभी फूलों का, पक्षी कहने से संसार के सभी पक्षियों का, जंगल कहने से संसार के सभी जंगलों का और पशु कहने से सभी पशुओं का बोध होता है। का फूल मत तोड़ो, पक्षी उड़ते हैं, जंगल में पशु रहते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में फूल, पक्षी, जंगल तथा पशु अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। तीसरा, भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुंदरता आदि। मुख्य बातें।